आज मैं आप लोगों को उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो आप लोग मेरे से सबसे ज्यादा पूछते हैं हर एक वीडियो के कमेंट में, कभी मेल करके, कभी व्हाट्सएप करके, कभी फोन करके आप लोग मेरे से ये सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं कि भाई मैं वो कौन सा आइटम इंपोर्ट करूं जिसको बेच के मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, भाई मैं वो कौन सा आइटम ऑनलाइन सेल करूं जिसकी डिमांड इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है, भाई वो कौन सा आइटम मैं इंपोर्ट करके आगे बेच सकता हूं जो कि हाथों हाथ बिक जाए। तो इसी सवाल का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और कहीं ना कहीं आप लोगों का डाउट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसे टूल के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला है इस चीज को डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम पे मार्केट में हाई डिमांड में है और कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ में उसी प्रोडक्ट का आपको मैं अलीबाबा में भी दिखाऊंगा कि अलीबाबा में वो कितने का है और वो जो पर्टिकुलर बंदा है वो अपनी वेबसाइट पे या अमेज़न पे वो प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है, तो आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा कि कितना ज्यादा इस टाइम पे उस प्रोडक्ट का डिमांड है और कितना ज्यादा इस टाइम पे उस प्रोडक्ट में मार्जिन चल रहा है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में, ऑनलाइन सेलिंग के बारे में, ऑनलाइन ग्लोबल सेलिंग के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ई कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उस टूल का यूज कैसे किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से उसका यूज करते हुए आप एक हाई एंगेजिंग, हाई प्रॉफिटेबल, हाई डिमांडेबल प्रोडक्ट को खोज सकते हैं, बाद में सिमिलर प्रोडक्ट को अपने ई कॉमर्स पे, अमेज़न पे, जिस भी जगह पे आप बेचते हैं वहां पे बेच के एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वो प्रोडक्ट इस टाइम पे अलीबाबा में कितने का बिक रहा है और वो सिमिलर प्रोडक्ट वो बंदा, पर्टिकुलर बंदा, अपनी वेबसाइट में कितने का बेच रहा है और कितना डिफरेंस है दोनों के रेट में। तो आप लोगों को अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगा के, लॉजिस्टिक्स वगैरह लगा के आप उसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं सीधा आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और एक अच्छा सा प्रोडक्ट आप लोगों को खोज के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आप लोगों को सीधा दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को टूल का नाम बता देता हूँ। उस टूल का जो नाम है वो है ड्रॉपीस्पाई। ये ड्रॉपीस्पाई क्या करता है कि इस टाइम पे जितने भी फेसबुक में एड्स चल रहे हैं, आप सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म जो है आज के डेट में आप लोगों को पता होगा, एक है गूगल एडवर्ड, एक है आपका फेसबुक। जितने कंज्यूमर आइटम्स होते हैं उनके मोस्टली जो एड्स चल रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, वो फेसबुक में चल रहे होते हैं। और ड्रॉपीस्पाई क्या करता है, रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग एड्स हैं, सबसे ज़्यादा चलने वाले, सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट वाले, सबसे ज़्यादा वायरल एड्स जो हैं उनको खोज के आपके सामने ले आता है। फिर आप एक एक करके उन एड्स को चेक कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट है, क्या डिस्क्रिप्शन है। आप उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं सीधा आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये जो ड्रॉपीस्पाई है एक्चुअल में काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से इसका यूज़ करते हुए आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट खोज सकते हैं, बाद में उसको अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर, अमेज़न ग्लोबल या कहीं पर भी आप जहाँ पर सेल करते हैं उसको सेल कर सकते हैं एक अच्छे मार्जिन के साथ। तो मैं सीधा आप लोगों को उस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। ड्रॉपीस्पाई.com हम डालेंगे इसमें। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले अपने लोगों को ये जो यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे दिखाना है, देखना है लास्ट इन विनिंग प्रोडक्ट्स। ये सीधा इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बट आपको बहुत बेसिक लेवल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से काम करता है। लास्ट इन विनिंग प्रोडक्ट्स में जाएंगे। देखिए लास्ट इन विनिंग प्रोडक्ट्स है, फिल्टर मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फिल्टर लगा के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ मैं, इंडिया। और ये लाइक्स का रेशियो आप ये जो है ये एड इंगेजमेंट का सारे फिल्टर्स हैं कि एड्स में कितने लाइक होने चाहिए, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ। ये 10 लाख प्लस हो रखे हैं इस टाइम पे, तो मैं 75,000 कर देता हूँ। इतनी ज़्यादा कि हमको ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स ये लव वगैरह थोड़ा कम भी चलेगा। हाँ, और कम चलेगा, एंगर वगैरह का नहीं चाहिए हमको। वाओ थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है। शेयर्स भी कम में रखेंगे तो सही रहेगा, लाइक्स हम ज़्यादा रखेंगे सबसे बढ़िया रहता है। और यहाँ पे जो है सर्च आप कर सकते हैं, यहाँ पे 50% करके आप सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट निकल के आते हैं, बट सीधा अपन इसी फिल्टर पे चलते हैं। 50% हम करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे ये जो है एड्स हैं ये रन हो रहे हैं इस टाइम पे फेसबुक पे इंडिया में। देखिए ये जो मेट्रिक्स हैं ये सारे आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ पर ये आपका लाइक्स का है, लव है, कितने शेयर्स हुए हैं, 2K शेयर्स हैं। और ये देखिए एक क्लोज़ेट है, ऑर्गेनाइज़र है, क्लोथ ऑर्गेनाइज़र। ये एक फायर पिट है, इंडोर फायर पिट। ये मैंने पहले भी देखा था, तो इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये फायर पिट है, देखिए इंगेजमेंट बहुत अच्छी है इसकी। 2K इसमें लाइक्स हो रखे हैं, 2000 लाइक्स हैं, 51 इसमें लव है।
दूसरा वाला भी सेम है, 3K है, और सेम ही, दोनों सेम ही कंपनी का है, मैंने देखा था ये इन लोगों का। ये एड अभी भी चल रहा है, 17 मार्च से चालू है और अभी भी 3 अक्टूबर को लास्ट, आज 3 तारीख ही है तो 3 तारीख को अभी यानी ऐड अभी भी रन हो रहा है, तो उसको फेसबुक आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअल ऐड मिल जाएगा हमको। ये क्लोज एंड फायर पिट करके हैं, तो इसमें ये आप कमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, कमेंट्स, डज इट इलेक्ट्रिकली, आई वॉन्ट दिस, प्लीज़ हाउ मच आई नीड, आई शुड गेट वन, आई वॉन्ट वन, ये सारे इनके मेट्रिक्स हैं, ये सारे इनके आइटम हैं, आप चाहे तो इनको क्लिक करके इनके ये सीधा इनके वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए बाय विद गूगल पे का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है, बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है क्लोज इन करके। तो ये एक राउंड फायर पिट है, डेकोरेटिव आइटम है बेसिकली, फ्यूल वगैरह से चलता है ये, देखिए इन्होंने बता रखा है सारा चीज़ें किस तरीके से ये यूज़ होता है। तो इन्होंने ये रिव्यूज़ वगैरह भी दे रखे हैं नीचे कि रिव्यूज़ भी बहुत बढ़िया हैं, इसके रिव्यूज़ काफ़ी सारे इन लोगों ने दे रखे हैं, बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है। नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग वाले जो वेबसाइट्स होते हैं ये वही है, लोग वॉक अपने आज के डेट में सब कोई अपना ऑनलाइन बेच रहा है। इसी सेम चीज़ को मैं आप लोगों को अलीबाबा पे दिखाता हूँ, ये इस टाइम पे बिक रहा है इसकी इनकी वेबसाइट पे $74 का। देखिए इनकी मेन वेबसाइट पे आ गए हम लोग क्लोजिंग के, तो ये सारे फायर पिट्स हैं इस टाइम पे जो ये लोग सेल कर रहे हैं। इसी अच्छे से को खोलते हैं, इस वाले को खोलते हैं, तो ये $89 का बिक रहा है इस टाइम पे। ये सारे इन्होंने रिव्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, तो आप लोग ये आपको बाय विद गूगल पे है तो ऑब्वियसली इंडिया में ये मोस्टली जो ये वेबसाइट्स होती हैं ये वर्ल्ड वाइड शिपिंग करती हैं, तो इस टाइम पे डॉलर पे है, और जब आप पेमेंट करेंगे तो वो कन्वर्ट होके आपका इंडियन INR में पे हो जाएगा। तो मैं सेम चीज़ को आप लोगों को अलीबाबा पे दिखाता हूँ कि ये सेम चीज़ अलीबाबा पे कितने की बिक रही है। ये देखिए एग्जैक्टली सेम आइटम निकल के आ चुका है यहाँ पे, ये जो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये देखिए एग्जैक्टली सेम आइटम है जो वहाँ पे दिख रहा था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने का है। ये शेप और साइज़ जो हैं ये जनरली कस्टमाइजेबल होते हैं, अगर आप ऑर्डर करते हैं अलीबाबा से तो इसको आप कस्टमाइज़ करके ऑर्डर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेबलिंग वगैरह भी हो जाती है, OEM OEF, वो मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है आपको। तो ये कितने का बिक रहा है, ये आपका क्लोजन पे बिक रहा है $89 यानी $90 का, और ये जो अलीबाबा पे बिक रहा है वो है $10 का। ठीक है, तो $10 का है, अराउंड 500 पीसेस आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे, 500 पीसेस पे आप सिमिलर प्रोडक्ट्स आप लोगों को नीचे भी बहुत सारे दिख जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। थोड़ा सा आपको ऑर्डर ज़्यादा करना पड़ता है इनिशियली, इतना तो हर कोई करता है जब भी ई कॉमर्स में वो बंदा सेल कर रहा होता है, तो इतना तो पैसा लगाना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो 500 पीसेस अराउंड आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे ना अलीबाबा के सप्लायर्स के साथ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक सप्लायर दिखाया, ऐसे बतेरे सप्लायर होते हैं, आप नेगोशिएट करेंगे तो 100-150 तक आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप उससे अब ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिक रहा है $90 का, ख़रीदने में आ रहा है आपका $10 का, और $10 और मान लीजिए अगर आपका शिपिंग विपिंग कस्टम इम्पोर्ट चार्ज ड्यूटीज़ वगैरह लगा के, ट्रांसपोर्टेशन कस्टम क्लियरेंस वगैरह लगा के $10-12 और मान लीजिए अगर आप इसको हैवी क्वांटिटी में इंपोर्ट करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप हैवी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे होते चीज़ों को तो आपका जो शिपिंग का चार्जेस है वो कम होता है, जितनी कम क्वांटिटी तो शिपिंग का चार्जेस ज़्यादा होता है। तो अब $10 और मान लीजिए चलो $20 में आपके पास अगर आ जाता है तो इसको आप $25-30 में भी अगर बेचते हैं, $25-30 यानी 3721 2100 हज़ार रुपये में आप इसको $10 में खरीदेंगे, $10 यानी 70 के हिसाब से $700 और उसमें लगा दिया आपने शिपिंग पे इंपोर्ट चार्जेस वगैरह लगा के, 700 चलिए 1000 रुपये मान लेते हैं, तो हो गया $1700 का, 2000-2500 में आराम से बिक जाएगा मार्केट में। तो अमेज़ॉन पे बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग अपनी शॉपिफाई पे बेच सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे बेच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इस जो ये शॉपी ये जो ड्रॉपिस्पाई है इसको यूज़ कैसे करते हैं, किस तरीके से आप मेट्रिक सेट कर सकते हैं, किस तरीके से इसके एनुअल चार्जेस है, ये फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनका एक फ्री सब्सक्रिप्शन भी आता है, उसमें आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, अनलिमिटेड आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो तरीका था जिसका यूज़ करते हुए आप भी एक विनिंग प्रोडक्ट, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, एक फ़ायदेमंद प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं जिसका इस टाइम पर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो कि सीज़न टू सीज़न चेंज होता रहता है, नीड्स टू नीड्स चेंज होता है, कभी कोई अच्छा सा प्रोडक्ट आ गया जो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो वो भी प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं कि इस टाइम पे कौन सा नया इन्वेंशन है, कौन सा नया डिस्कवर्ड प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट है जो इस टाइम पे मार्केट में आग लगा रहा है। तो ये वो टूल और ये वो तरीका था जिसके थ्रू मैं भी अपना प्रोडक्ट
खुद ऑनलाइन बेचने के लिए सर्च करता हूँ और बहुत सारे बड़े बड़े ड्रॉप शिपर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट वाले और जो अमेजोन पे सेल करते हैं वो लोग इस टूल का यूज करते हुए अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढते हैं। और इस वीडियो में मैंने जो आप लोगों को अलीबाबा का बताया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है, जो आप लोग प्रोडक्ट ढूंढते हैं इस टूल का यूज करते हुए, अगर आप करते हैं वो प्रोडक्ट आप अलीबाबा से जाके ही खरीद, लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट में जाके भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं बहुत ही कम्पिटेटिव प्राइस में। अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बाहर से प्रोडक्ट इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है लोगों को शुरू में। अगर आप लोगों ने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है तो शुरू में जो पहले एक दो ट्रांजेक्शन है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अलीबाबा में। आप लोग कई बार पूछते हैं कि कौन सा सप्लायर फेक है, कैसे पेमेंट करूँ एंड ऑल। तो अगर आप लोग इंपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप लोग इंडिया मार्ट में जाके भी सप्लायर ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे भी ऐसे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे सप्लायर मिलते हैं, वहाँ से आप अपना माल उठाइए, अपना वेयरहाउसिंग करिए और ई कॉमर्स पे, अमेज़ॉन पे या किसी भी दूसरी शॉपिफाई पे बेचिए और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को उस सवाल का जवाब मिल गया जो आप लोग मेरे से सबसे ज़्यादा पूछते थे कि कौन सा प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट हम ऑनलाइन सेल करें, कौन से प्रोडक्ट किस टाइम मार्केट पर डिमांड है। तो अगर आप इस टूल का यूज़ करते हैं तो आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है इस चीज़ को ढूंढने में कि कौन सा प्रोडक्ट इस टाइम मार्केट में चल रहा है। तो ये पूरा वीडियो था ट्रॉपिस्पाई के बारे में, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा ट्रॉपिस्पाई के जितने मेट्रिक्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और अगर आप मीनवाइल ट्रॉपिस्पाई को जाकर चेक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ट्रॉपिस्पाई को चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। वहाँ पे एक फ्री ऑप्शन है, आप फ्री में इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका काम का है कि नहीं है। बाकी इसमें प्रीमियम मेंबरशिप भी है और दूसरी बिजनेस मेंबरशिप भी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो में आप लोग अब तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पर इस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते।